एमपी में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, ये सीटें तय करेंगी मिशन 2024 की राह। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के लिए मतदान होगा, जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक भविष्य तो तय करेगा ही, साथ में इससे लोकसभा चुनाव 2024 की दिशा भी तय होगी। मध्य प्रदेश में भाजपा एमपी के मन में मोदी नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है, तो कांग्रेस अपनी 11 गारंटियों के साथ जनादेश मांग रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के बाद लगातार यह दूसरा विधानसभा चुनाव है जब भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। सत्ताधारी दल भाजपा किसी भी कीमत से प्रदेश को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की बागडोर अपने हाथ में रखी है। चुनाव की गंभीरता को देखते केंद्रीय मंत्रियों को बनाया प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने सह प्रभारी के रूप में प्रदेश में डेरा डाला है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी गई है। साथ ही चुनाव की गंभीरता को देखते हुए उनके साथ दो अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 में भाजपा का सारा दारोमदार लाडली बहना और नगद आर्थिक लाभ देने वाली योजनाओं पर है, तो कांग्रेस अपनी गारंटियों और घोषणाओं की बदौलत जनता का भरोसा जीतने का प्रयास कर रही है। चुनाव के 39 दिन पहले दोनों दल लोकप्रियता और आत्मविश्वास के नजरिए से भी कमजोर नहीं है। एमपी में मिल रही जमकर सौगातें। किसान, युवा, कर्मचारी, पुलिस, पेंशनर, संविदा कर्मी, एससी एसटी और गरीब महिलाओं के 3 करोड़ से ज्यादा बड़े वर्ग को साधकर भाजपा आम मतदाताओं को साधने में लगी है, तो कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना, किसान कर्ज माफी, नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए महीना, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ सहित अन्य गारंटियों के साथ मैदान में उतर रही है। विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति यानी अजा और अनुसूचित जनजाति यानी अजा वर्ग सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें सुरक्षित हैं। इनमें से अभी भाजपा के पास मात्र 16 सीट हैं और कांग्रेस ने इतनी ही सीट 2018 में भाजपा से छीन ली थी। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इन वर्गों को साधने में जुटे हैं। जनजातीय मतदाताओं को साधने के नजरिए से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष प्रदेश के 10 दौरे कर चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।